इस वीडियो में हम सीखेंगे बर्ड्स यानी मुख्तलिफ परिंदों के नाम। बर्ड्स, बर्ड्स कहते हैं परिंदों को। आप भी मेरे साथ पढ़ें, बर्ड्स बर्ड्स यानी परिंदे। चले अब हम आगे चलते हैं और मुख्तलिफ परिंदों के नाम और उनकी तस्वीर को देखते हैं और साथ में उनके नाम इंग्लिश में भी सीखते हैं। सामने दी हुई तस्वीर को देखकर आप मुझे ये बताइए कि इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, क्या आप इस परिंदे को जानते हैं? ये है एक बतख, बतख, और बतख को इंग्लिश में कहते हैं डक, डक, बतख, डक, डी यू सी के डक, डक, डक यानी बतख। डक एक परिंदा है या एक बर्ड है। डक, डी यू सी के डक। अब आप मुझे बताइए इस परिंदे को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? बतख को इंग्लिश में कहते हैं डक। बिल्कुल ठीक, डक। अब इस तस्वीर की तरफ देखिए और बताइए इस तस्वीर में आपको कौन सा परिंदा नजर आ रहा है? ये है एक कबूतर, कबूतर, और कबूतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिजन, पिजन। आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें, पिजन, पी आई जी ई ओ एन, पिजन, पिजन यानी कबूतर, पिजन। अब आप मुझे बताइए इस परिंदे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कबूतर को हम इंग्लिश में पिजन कहते हैं। बिल्कुल ठीक, पिजन। सामने दी हुई तस्वीर को देखकर अब आप बताइए ये कौन सा परिंदा है? ये है एक मुर्गी, मुर्गी भी एक परिंदा है, मुर्गी, और मुर्गी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में मुर्गी को कहते हैं हेन, हेन, एच ई एन, हेन, हेन, हेन यानी मुर्गी। चलें अब आप बताइए इस परिंदे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मुर्गी को इंग्लिश में कहते हैं हेन। बिल्कुल ठीक, हेन, हेन। चलें अब हम इस अगले परिंदे की तरफ आते हैं। इस तस्वीर को देखकर बताइए क्या आप जानते हैं कि ये परिंदा कौन सा है? ये है एक उल्लू, उल्लू, और उल्लू को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? उल्लू को इंग्लिश में कहते हैं आउल, 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 ओ डब्ल्यू एल, आउल, आउल यानी उल्लू, आउल। चलें अब आप बताइए इस परिंदे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इस परिंदे को हम इंग्लिश में कहते हैं आउल। बिल्कुल ठीक, आउल, आउल। अब आप इस अगली तस्वीर को देखिए और बताइए क्या आप इस परिंदे का नाम जानते हैं? ये है एक उकाब, उकाब, और अकाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अकाब को इंग्लिश में कहते हैं ईगल, ईगल, ई ए जी एल ई, ईगल, ईगल यानी अकाब। चलें अब आप बताइए इस परिंदे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं?
इस परिंदे को इंग्लिश में कहते हैं ईगल, और ये परिंदा उर्दू में इसका क्या नाम है? उकाब, उकाब, ईगल, ईगल, बिल्कुल ठीक। अब इस अगली तस्वीर की तरफ देखिए और बताइए ये क्या है? ये है एक तोता, तोता, और इसे इंग्लिश में कहते हैं पैरट, पैरट, पी ए आर आर ओ टी, पैरट, पैरट यानी तोता, पैरट। चलें अब आप बताइए इस परिंदे को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तोते को हम इंग्लिश में कहेंगे पैरट, पैरट, बिल्कुल ठीक, पैरट। इस तस्वीर की तरफ देखिए, अब आपको इस तस्वीर में कौन सा परिंदा नजर आ रहा है? ये है एक मुर्गा, मुर्गा, और इस परिंदे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉक, कॉक, कॉक यानी मुर्गा, सी ओ सी के, कॉक, कॉक यानी मुर्गा। चलें अब आप बताइए इस परिंदे को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? मुर्गे को हम इंग्लिश में कहेंगे कॉक, कॉक, बिल्कुल ठीक। चलें अब अगले परिंदे की तरफ चलते हैं। ये बताइए ये क्या है? ये है एक कव्वा, कव्वा, और कव्वे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्रो, क्रो, क्रो यानी कव्वा, सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो, क्रो यानी कव्वा, क्रो। चलें अब आप बताइए इस परिंदे को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इस परिंदे को हम इंग्लिश में कहेंगे क्रो, क्रो, बिल्कुल ठीक, क्रो यानी कव्वा। चलें अब हम अगले परिंदे की तरफ आते हैं। ये बताइए ये क्या है? ये है एक बटेर, बटेर, और इस परिंदे को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? कोयल, कोयल, कोयल यानी बटेर, क्यू यू ए आई एल, कोयल, कोयल, कोयल यानी बटेर। चलें अब आप बताइए इस परिंदे को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? बटेर को हम इंग्लिश में कहेंगे कोयल, कोयल, बिल्कुल ठीक। इस वीडियो में आपने क्या सीखा? इस वीडियो में आपने मुख्तलिफ परिंदों के नाम सीखे। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इंग्लिश में इन परिंदों के नामों को दोहराने की कोशिश करें। इस तरह आप बहुत जल्द इन परिंदों के नाम इंग्लिश में सीख जाएंगे।